HTML की दूसरी वीडियो में मैं आपको कुछ शामिल करता हूँ। हम HTML के बारे में सीख रहे हैं। HTML जिसको के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किया जाता है, कहा जाता है। HTML हमें बताती है कि हमने वेब जिसका स्ट्रक्चर कैसे डिवेलप करना है। जिस तरह घर को जब तामीर किया जाता है तो बताया जाता है कि उसमें खिड़की कहाँ पर रखी जाएगी, दरवाजा कहाँ पर रखा जाएगा, किचन कहाँ पर रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में यह हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनको टैग्स के जरिए लिखा जाता है। HTML टैग में हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल और बहुत सारे डिव टैग हो गया, इस तरह के बहुत सारे टैग्स हैं जिनके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर ये बात काबिले गौर है कि ब्राउजर जो होता है वो आपका HTML पेज को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो होता है ये HTML के टैग्स को नहीं दिखाता जबकि उनकी फंक्शनैलिटी को करके दिखाता है, उनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। तो HTML को लिखने के लिए जैसा कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें एडिटर की जरूरत होती है। तो एडिटर कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास नोटपैड बिल्ट इन है, नोटपैड प्लस प्लस ये आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा सबलाइन टेक्स्ट भी अवेलेबल है, तो मैं सबलाइन टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट अब ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फाइल को सेव कीजिए। तो फाइल को सेव कीजिए, यहाँ पर मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ प्रैक्टिस के नाम से। तो चलिए प्रैक्टिस, अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो इसको कोई एक्सटेंशन ग्रांट नहीं होगी, तो हमें इसको एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी ताकि जस्टिफाई हो सके वो किसकी फाइल है। तो हम दो HTML लिख लेते हैं जिससे ये practice.html के नाम से सेव हो जाएगी। तो सबलाइन में कुछ शॉर्ट कट्स होती हैं जो कि काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो HTML के बेसिक टैग लिखने के लिए आप लेस देन का साइन लिखें, एच लिखें और HTML को एंटर कर दें। बेसिक टैग्स लिखे हुए आ जाते हैं। HTML के बेसिक टैग में सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप HTML का टैग है जो कि डिक्लेरेशन है जो हमें डिफाइन करती है कि HTML फाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद HTML का टैग है जो कि आप देख सकते हैं ये वाला टैग, और ये रूट एलिमेंट कहलाता है HTML पेज का। उसके बाद हेड का एलिमेंट आ गया है, और ये जो हेड का एलिमेंट है ये मेटा इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मेटा इंफॉर्मेशन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह हो सकता है जिस तरह की हर चीज़ का कोई नाम होता है, जिस तरह उसकी कोई स्पेसिफिकेशन होती है, उसका कोई कोई ऐसी चीज़ होती है। मसलन खरगोश को खरगोश इसी भी कहा जाता है क्योंकि उसको स्पेसिफाई खरगोश किया गया है। अगर हम उसको कोई और चीज़ से स्पेसिफाई करते हैं तो उसका नाम भी बदल जाता है। इसी तरह हेड के अंदर हम मेटा इंफॉर्मेशन के वो पेज किसके मुतालिक है जिसको आप टाइटल वगैरह कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इसको आप माइंड से भी, यानी कि इंसानी दिमाग से भी तस्वीर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा टाइटल का टैग है, अगर आप देखें तो ये टाइटल का टैग है, ये ओपनिंग टैग है, उसके आगे ये क्लोजिंग टैग है। ये पेयर ऑफ टैग्स होते हैं, हेड का भी पेयर होता है, HTML का भी पेयर होता है, आप देखें तो आपको नजर आ रहे हैं। टाइटल का टैग जो है, टाइटल का एलिमेंट, ये हमारे टाइटल को बताता है। जिस तरह इस वक्त आप अगर देखें तो ये practice.html ये टाइटल आ रहा है फाइल का। तो ब्राउजर भी कुछ इसी तरह का होता है, यहाँ पर दूसरा टैब होगा, यहाँ पर तीसरा टैब होगा, यहाँ पर चौथा टैब होगा। तो हर एक के ऊपर एक एक नाम लिखा होगा जो कि उसका टाइटल होगा। उसके बाद चलिए चलते हैं बॉडी के ऊपर। जिस तरह हर चीज़ का जिस्म होता है, इस तरह इसका भी जिस्म होता है। अब जो चीज़ आपने ब्राउजर के अंदर रिप्रेजेंट करनी है वो उसके बॉडी में आएगी। तो इसकी इंटेंटेशन का जरा खास ध्यान रखिएगा। इंटेंटेशन में इसके लिखने का तरीका कार को कि आपका हर टैग अलग अलग होना चाहिए ताकि अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको आसानी से पता चल सके कौन सा टैग कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उसके अंदर कौन कौन से टैग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टाइटल दे देते हैं, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये देखिए ये मेरे कर्सर के साथ सर्कल का साइन आ रहा है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ क्रॉस हो जाता है, तो इसका मतलब है ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई। ये सबलाइन का फीचर है, ये बता देता है कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई। तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो देखिए फाइल सेव हो गई। जब तक आप फाइल सेव नहीं करेंगे क्रोम आपको
रिप्रेजेंटेशन नहीं करके देगा। तो याद रखिए, हर कुछ ऑलमोस्ट 99.9% टैक्स पेयर में है, बस कुछ टैक्स ऐसे हैं जो कि सिंगल टैक्स है, इसलिए मैंने 99.9 कहा है, कंप्लीट 100 नहीं कहा। तो किसी भी टैग को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, किसी भी टैग को लिखने के लिए पहले लेस देन का साइन आता है, फिर टैग नेम आता है। अगर आप गौर कीजिए, मैं आपको पूरा सेंटेंस बता देता हूँ। इसके बाद आपने उस टैग के जरिए क्या क्या काम परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, जिसको हम कॉन्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्टेंट आ जाता है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ वही टैग का नेम आ जाता है। देख सकते हैं आप, सबलाइन ने ऑटोमेटिकली लिख दिया है। तो ये देखिए, ये आपका किसी भी टैग को लिखने का तरीका एक कार होता है। तो इसको फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, तो इसको मैं काट देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के आपका यूज होता है। ये देखिए, मैं अगर इस लाइन में हूँ और इस लाइन को डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और के को अगर दबाऊंगा तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता की चीजें भी साथ साथ मैं कवर करता जाऊंगा। तो चलिए बॉडी के अंदर लिखते हैं। सपोज करते हैं हमें सबसे पहले, सॉरी, पहले टाइटल लिख देते हैं। टाइटल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं इधर प्रैक्टिस का। तो चलिए साथ साथ देखते हैं कि ये फाइल परफॉर्म क्या कर रही है। तो मैं इसी पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ, तो ये हमारी फाइल ब्राउजर में भी ओपन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये प्रैक्टिस शो हो रहा है। तो इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। चलिए जी, साइड बाय साइड हो गया। अब देखते जाइए, इंडेंटेशन का तरीका कार्य है कि एक टैग और दूसरे टैग के अंदर मुनासिब फासला रखा जाए। यहाँ पर आपका टैग आएगा, टैग का एक मुनासिब फासला हो गया। यहाँ पर अब मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो हेडिंग के लिए मेरे पास ये देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 छह टैग्स अवेलेबल हैं, बट हम यूजली H1 से गुजारा कर लेते हैं, तो H1 लिख देता हूँ। चूंकि हेडिंग सिर्फ एक लाइन के अंदर आती है, उसके अंदर हमें कुछ चार पांच लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसके टैग भी इसी तरह लिखते हैं। अदरवाइज एक और टैग लिख देता हूँ, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर चूंकि काफी ज्यादा कुछ लिखना होता है, तो पैराग्राफ के टैग के अंदर हम कुछ इस तरह लिखते हैं। तो चलिए H1 के अंदर लिख देते हैं फर्स्ट पेज, और सॉरी फर्स्ट पेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्यूटोरियल फॉर HTML एंड आल्सो CSS जावा स्क्रिप्ट जेक्यूरी कंटिन्यू। ये देखिए, यहाँ पे आके अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरा ख्याल है, ये देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया। ये देखिए ऊपर सर्कल आ रहा है, तो कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। सॉरी, गूगल को सेव कर रहा था, ये इसको सेव किया, ये देखिए क्रॉस हो गया। अब जब यहाँ पर आकर F5 प्रेस किया जाएगा, ये देखिए तो फर्स्ट पेज भी लिखा हुआ आ गया, और उसके साथ हमारे पैराग्राफ का टैग भी यूज हो गए। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी चीज़ें लिखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या समझ लगी है आपको, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको नई वीडियो के बारे में पता लगता रहेगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।